हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूं मयूरी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं टॉप 4 चीपेस्ट कंट्री जिसके अंदर आप इंडिया से इजीली घूमने जा सकते हो, और वो भी मिनिमम 50,000 के बजट के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ 4 चीपेस्ट कंट्री जिसके अंदर आप इंडिया से वहाँ इजीली घूम सकते हो। और अब सबको पता है, लास्ट 2 ईयर से कोविड सिचुएशन के अंदर काफ़ी लोग घर पे ही रहे, किसी ने आसपास घूमने का भी चांस नहीं मिला है। तो आज मैं आपके साथ सारे बहुत कम खर्चे के अंदर कौन कौन सी कंट्री घूमने जा सकते हो वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहला है आपके पास सिंगापुर। सिंगापुर के अंदर आपको घूमने जाने के लिए सबसे पहला आपको करेंसी पता होना चाहिए। करेंसी 55 इंडियन रुपीज़ के आसपास प्लस माइनस होता रहता है। दूसरा होता है उसकी टिकट आपको इजीली मिल जाएगी। रिटर्न टिकट आपको 15,000 से 17,000 के आसपास, डिपेंड ऑन जो भी कॉस्ट चलता है उसके ऊपर मिल जाएगी। थर्ड आता है उसको वहाँ पे रहने के लिए 1,700 से 2,000 के आसपास होटल का रेंट पर डे का आपको मिल जाएगा। तो ये अपना इतना काउंटिंग आपको कॉस्ट का पता चल गया। अब आपको सिंगापुर में घूमने के लिए आपके पास है, सबसे पहली जगह है मरीना बे है, वहाँ पे आप घूम सकते हो। दूसरा है यूनिवर्सल स्टूडियो। यूनिवर्सल स्टूडियो सभी को पता है और सबका ड्रीम रहता है कि भाई एक बार तो हमें यूनिवर्सल स्टूडियो में जाना ही है। और तीसरा है चाइना टाउन, वो भी अच्छी जगह है। तो आपको सिंगापुर के अंदर पहले इतना कुछ नहीं था, लेकिन ये 4-5 प्लेसेस ऐसे है जो आपको एक्सप्लोर करने में मज़ा आएगा। और लास्ट पॉइंट था कि सिंगापुर जाने के लिए आपको 4 to 5 hours की फ़्लाइट लगेगी, तो आपको आने जाने का भी टाइमिंग बहुत कम रहता है। सेकेंड कंट्री हमारी है यूएई। यूएई में जाना है तो आपको, अगर दुबई आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है सिलेक्शन में, तो दुबई का पूरा वीडियो हमने अगले वीडियो में कवर करके रखा है, जिसकी लिंक यहाँ पे आई बटन में है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। तो हम बात कर रहे हैं फ्लाइट की। फ्लाइट की टिकट आपको रहेगी 25,000 to 30,000 बेस्ड ऑन सीजन की किस तरह की टिकट्स चलती है। उसके बाद आता है रहने के लिए। वहाँ रहने यूएई में रहने के लिए आपको 2,000 से 3,000 पर डे का होटल का रेंट लगेगा। और उसके बाद वहाँ की करेंसी आपको पता होनी चाहिए, 20 rupees इंडियन करेंसी के हिसाब से होती है। तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और यूएई में घूमने के लिए आपके पास सबसे अच्छी जगह है जहाँ पे 2 चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, वो है अबू धाबी। अबू धाबी सबका ड्रीम रहता है कि एक बार अबू धाबी में घूम के, बिकॉज ऑफ वहाँ पे फेरारी वर्ल्ड है। और उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि जिसको गोल्ड का शौक है, जिसको गोल्ड लेना पसंद है, तो वहाँ यूएई द बेस्ट प्लेस फॉर गोल्ड शॉपिंग। तो ये था पूरा यूएई, स्मॉल बजट कंट्री आपको घूमने के लिए रहेगी। थर्ड कंट्री के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कजाकिस्तान। कजाकिस्तान वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट कंट्री है। इसमें सबसे स्पेशल चीज़ यही है कि 2 पार्ट होते हैं ये कंट्री का, आधा पार्ट होता है यूरोप में, आधा पार्ट एशिया में रहता है। तो आपको दोनों टाइप की वहाँ पे जो भी कल्चरल है वो आपको देखने को मिलेगा। कजाकिस्तान में आपको जाने के लिए 3 to 4 hours की फ़्लाइट लगेगी। 25,000 to 30,000 रिटर्न टिकट आपको मिल जाएगी। और हाँ, उसके अंदर 70% मुस्लिम कम्युनिटीज़ रहती है और 30% में ईसाई कम्युनिटी रहती है। तो आपको दोनों कल्चर आप वहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। और कजाकिस्तान का फूड काफ़ी फेमस होता है, तो अगर आप फूडीज हो तो कजाकिस्तान की जो स्पेशल डिशेज है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो हमारी 4th कंट्री है म्यांमार, जो बर्मा के नाम से फेमस थी। उसका करेंसी है ख्यात, वो इंडियन करेंसी से काफ़ी कम है। वहाँ जाने के लिए आपको 25,000 to 30,000 के आसपास आपको रिटर्न फ्लाइट लगेगी। वहाँ पे रहने के लिए आपको पर डे का 2,000 rupees जितना आपको कॉस्ट लगेगा पर पर्सन। उसके बाद वहाँ पे टूरिस्ट का अट्रैक्शन के लिए बहुत सारी झील्स, लेक और माउंटेन्स है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने का नहीं है, लेकिन आप जिन लोगों को नेचर और एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ और एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, उनके लिए ये कंट्री काफ़ी अच्छी रहेगी। और वहाँ जाने के लिए 3 to 4 hours की फ़्लाइट आपको फ्रिक्वेंटली मुंबई और दिल्ली से मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अदर इंडियन प्लेसेस। तो ये दोनों जगह से आप इजीली फ़्लाइट लेके जा सकते हो। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रीनरी आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगी। तो ये था पूरा बर्मा और म्यांमार के बारे में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे लास्ट में हमें पूरा टेबल बना के आपको डिस्प्ले किया है कि चारों कंट्री में जाने का जो भी एक्सपेंसेस रहता है, टाइमिंग रहता है, और चारों में से कोई भी एक कंट्री आपको सिलेक्ट करके जाना है तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो पूरा टेबल हमने लास्ट स्क्रीन पे हमने डाला है,
तो आप वो आराम से देख के आपका कैलकुलेट करके चीपेस्ट कंट्री सिलेक्ट करके जा सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हम और भी 3-4 कंट्रीज लेके नेक्स्ट वीडियो में ऐड करेंगे। तो आपके साइड से कोई भी सजेशंस है तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। तब तक मैं हूँ मयूरी, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।